पूरी दुनिया के लिए हंसी बिखेरने वाला शख्स था। हमारा उम्र सबको हंसाता रहता था, हमें रिहर्सल के दौरान हंसाता रहता था। हमारा उम्र कहाँ चला गया? उसका इलाज बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। यार सैयद साहब, वो मुकाम नहीं है जो इंडिया में मुझे मिला है, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। मैं इंडिया में गया, अमिताभ बच्चन उठ के खड़ा हो गया, फलां उठ के खड़ा हो गया। यहाँ जो है ये नए आर्टिस्ट आए हैं, वो देख के मुंह फेर लेते हैं। तकलीफ तो इसी बात की है ना जी, जितना बड़ा वो आदमी था उतनी ही तकलीफ में वो मरा है। क्या मिला आखिर? भीख मांगते हुए वो शख्स जो है वो चला गया। इतना हुआ है उससे, वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे। मेरी तो वो उनके सीन्स पे हंसी नहीं रुकती थी। और क्या मुल्क के सरबरा करेंगे जो वो शख्स करते थे। बेड पे पड़े हुए भी ये कहते थे कोई मसला तो नहीं है। जब तक कॉमेडी रहेगी उम्र वही नकल होती रहेगी। इंडिया में जितने कॉमेडियंस है ना, जो सब ब्रो मानते। हम जब ड्रामा करने गए थे, हमारा बुड्ढा घर पे रिकॉर्ड हो गया था, तो अल नसर नीदरलैंड दुबई के अंदर एक हॉल है 3,500 कैपेसिटी। हॉल में जितने लोग थे ना, उससे कहीं ज्यादा बाहर लोग थे। उमर भाई के साथ और आप सेंटर में आइए के सेंटर में। जी जी। और बीमारी के दौरान भी आप उनके साथ होते थे, तो आज जी जी ठीक है। चलो थोड़ा इधर। जी जी जी। तो आज हमें मौजूद नहीं है, यकीनन दुख का एक लम्हा है, कि क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बिलाशुबा एक ऐसा नाम है, यानी आप खुद सोचिए कि क्या पाकिस्तान में और कौन सा ऐसा नाम है जिसने इस सतह पर आलमी हवाले से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और पाकिस्तान में और कौन सा ऐसा नाम था कि जिसने यानी कि जिसके फ़न के मोतरफ़ पड़ोसी मुल्क से लेके पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा हों। तो बिला शुबा ये मतलब पाकिस्तान में नहीं, दुनिया फ़न का, दुनिया अदब का एक 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 बहुत ही बड़ा लॉस है। और अभी तो ज़ाहिर है, मैं फवाद जवाद ये सब की बड़ी इन सब की बेचारे की बड़ी एफर्ट्स रही हैं। तो बस मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, जो जो भी देख रहे हैं, कि इस वक्त उनको ज़ाहिर सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। तो दुआ करें कि इस आदमी ने हमेशा हमें हंसाया है, मुस्कुराया है। हम जब बहुत टेंस होते थे तो हम इनके क्लिप्स लगा के देख लेते थे कि हम मुस्कुरा दें। अल्लाह करें कि बस इनके भी आखिरत के जितने भी जो स्टेप्स हैं वो सारे ऐसे हंसते मुस्कुराते गुजर जाएँ इंशाल्लाह, जिस तरह उन्होंने सबको हंसाया है इंशाल्लाह। बाकी अरेंजमेंट्स के हवाले से अहले खाना अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह, वो सारी बातें होंगी, वो प्रॉपर ही सारा बताएंगे इंशाल्लाह। दाढ़ी बड़ी प्यारी रखी है, ऐसा लगता मुंह पे तुमने कोई छोटा सा ताला लगा रखा है। तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है हमें? तुमने क्या पागल बना रखा है? हर आदमी तेरे गुण गाता है, हर आदमी तेरी कवाली गाता है। इंडिया वाले भी तेरी कवाली को चुराते हैं और बना के कवाली करोड़ों रुपया कमाते हैं। आप जब मशीन पे वजन वाली जाते हैं, अंदर से मशवरे आते हैं कि कार्ड आते हैं? कार्ड आते हैं। देखें, बात सुनिए, हुक्मरान आते रहेंगे, हुक्मरान आते रहेंगे, हुक्मरान कितार दर कितार दर कितार आते रहेंगे। उमर शरीफ साहब अब नहीं आएंगे। हाँ, उमर शरीफ साहब अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे कभी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उमर शरीफ साहब के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने महबूब के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। और जो उन्होंने हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, अल्लाह तबारक व तआला उन मुस्कुराहटों के सदक़े, उन मुस्कुराहटों के तुफैल उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी को, उनकी हयात को नेकियों से भर दे। और अल्लाह तबारक व तआला उमर शरीफ साहब की कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की औलाद और आल अलैहिस्सलाम के सदक़े उमर शरीफ साहब को बख्श दे और उमर शरीफ साहब के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उनकी अहलिया ज़रीन ग़ज़ल साहिबा और उनकी दूसरी बीवियां हैं, और जाहिर है कि उनकी औलाद भी है। अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र जमील की दौलत से माला माल फरमाए। आज का पैगाम, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नसीर की इजाज़त।